कोरोना प्रादुर्भाव में बीमा कराने की मांग को लेकर नगर परिषद कर्मचारियों ने शहर में आज काली फीत लगा के किया काम। राज्य में कोरोना विषाणु का प्रादुर्भाव बड़े प्रमाण पर बढ़ा हुआ है। नगर परिषद, पंचायत मुख्याधिकारी, सफाई कर्मचारी, अग्निशामक कर्मचारी, पानी पुरोठा कर्मचारी और प्रत्येक कर्मचारी 14 फरवरी से कोरोना का प्रादुर्भाव ना पड़े इसलिए दिन रात प्रत्येक विभाग में दवा की फवारनी कर रहा है। नए आए हुए लोगों की जानकारी संकलित कर उनका विलगीकरण, शहर में आने वाले नागरिकों पे ध्यान देने के लिए नाकाबंदी भी की गई है। शहर में भीड़ ना बने इसलिए कार्य करना, अन्य जवाबदारी पूरी तरीके से की जा रही है। तब कोरोना विषाणु का प्रादुर्भाव ना हो और साथ ही उनका बीमा निकालना आवश्यक है। तब उनका बीमा नहीं निकाला गया है। उन्होंने सरकार का ध्यान इन समस्याओं की ओर जाने के लिए नगर परिषद के सभी कर्मचारियों ने काली फीत लगाकर काम किया। इस प्रादुर्भाव में जल्द से उनका बीमा कराने की मांग भी की गई है। कर्मचारी कोरोना विषाणु प्रादुर्भावाच्या अंतर्गत जे कर्मचारी नगर परिषद कर्मचारी दिवस रात्र काम करून राहिले, ज्यांचा गट विमा काढायचा विमा काढण्याबद्दल 50 लाखाचा विमा काढण्याबद्दल शासनाचे परिपत्र आले होते, त्या परिपत्रानुसार विमा काढण्याबद्दल जे माहिती दिली असता कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा विमा न काढल्यामुळे नगर परिषद संघटना यांनी हा निर्णय घेतला आहे। आज 27 तारखेला काळी फिती लावून काम करण्याबद्दल आज आपण सगळे कर्मचारी नगर परिषदने काळी फिती लावून काम करत आहे। तरी शासनाने या याच्याकडे लक्ष द्यावे, सगळ्या कर्मचाऱ्याचा 50 लाखाचा विमा काढावा। हिंगणघाट से NBC न्यूज के लिए रवी एनोरकर की रिपोर्ट।